वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है अमित अली और आप देख रहे हैं अमर अकेडमी यूट्यूब चैनल। अमूमन डेफिनेटली आप लोग जैसे ही कोई बैकग्राउंड वगैरह रेस करने का आप लोगों को जहन में आता है या फिर आप किसी भी थंबनेल बनाने के लिए आप फ्लेक्स डिज़ाइन करते हैं, आप कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, तो आप लोगों को एक पिक्चर को ऐड करना हो तो सबसे पहले उसका बैकग्राउंड रेस करना पड़ता है। अगर आप गूगल से कोई पिक्चर डाउनलोड कर लेते हैं, कोई भी आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से पिक्चर को बना लेते हैं, या फिर आपके पास DSLR हो, कोई ऐप हो, कोई कैमरा हो, कोई कुछ भी चीज़ हो, तो आप उसके ज़रिए पिक्चर बना लेते हैं। लेकिन उसका बैकग्राउंड ख़त्म करने के लिए आप अगर आप PC यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए Adobe Photoshop आपको ज़रूरी होता है। आप Adobe Photoshop में ही उसका बैकग्राउंड रेस कर सकते हैं। नॉर्मली जिस तरह मैं भी अपने फ्लैक्स डिज़ाइन कर रहा होता हूँ या थंबनेल बना रहा होता हूँ अपनी वीडियोज़ के लिए, जो भी मैं थंबनेल बनाता हूँ उसके लिए मुझे अपना पिक्चर जो लगानी होती है उसका बैकग्राउंड रेस करना पड़ता है। और अपने PC में मैं जैसे ही रेस करता हूँ तो उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले उसमें Adobe Photoshop को ओपन करता हूँ, उसमें बैकग्राउंड को रिमूव करता हूँ। और बैकग्राउंड को रिमूव करने के बाद मैं अपनी पिक्चर कहीं पर भी एडजस्ट कर सकता हूँ, कहीं पर भी लगा सकता हूँ। लेकिन उसमें आपको आधा घंटा लग सकता है, आपको 15 मिनट लग सकता है। आप बहुत स्पीडली काम करते हैं तो आपको सिंगल क्लिक से एक 1 सेकंड भी लग सकता है, 1 मिनट भी लग सकता है, 5 मिनट भी लग सकते हैं। मतलब कि कुछ ना कुछ टाइम दरकार होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी ज़बरदस्त ऐप बताने वाला, ऐसा ज़बरदस्त तरीका बताने वाला कि इसमें आप अगर थंबनेल बनाए, आप अपनी बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं तो आप जस्ट 1 सेकंड में ही आप अपनी बहुत खूबसूरत जो है ना बैकग्राउंड को रेज कर सकते हैं। बैकग्राउंड आप कोई भी पिक्चर ले लेंगे, उसकी बैकग्राउंड अगर सिंगल कलर में है, अगर बहुत सारे कलर्स हैं, मल्टीपल कलर्स उसमें ऐड होते हैं, आप उसको जब भी डिलीट करना चाहेंगे तो अगर आप Adobe Photoshop का यूज़ करेंगे तो जैसे ही आप पिक्चर की साइड को यहाँ पर ये देखेंगे, इस तरह पिक्चर को अगर आप रेज करते हुए लेकर आएंगे तो उसकी जो साइडें होंगी, जो शार्पनेस होगी वो बरकरार रहती है। लेकिन आज इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को कंप्यूटर की स्क्रीन पर तरीका बताऊँगा, मैं कहता हूँ 100% ऐसी है, उसकी ना तो शार्पनेस रहेगी और जो उसके एजेस होंगे किसी भी पिक्चर के, आपकी अपनी पिक्चर हो, आप कोई भी पिक्चर डाउनलोड करते हैं गूगल से करते हैं, कोई भी पिक्चर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो उसकी ऐसी ज़बरदस्त 1 सेकंड में बैकग्राउंड रेज होगी। किसी आप फोटो फ्रेम में लगाते हैं, किसी भी चीज़ पर आप लगाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी कमाल उसकी बैकग्राउंड होने वाली है। इस ये सारी चीज़ मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर बताऊँगा। और कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाने से पहले अगर आप अमर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो अमर अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करने का मकसद ये है कि आपको टिप्स एंड ट्रिक्स और ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से, Adobe Photoshop के हवाले से, Adobe Illustrator के हवाले से और बहुत सारी ऐप्स के हवाले से आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। और वीडियो कैसी लगी है ये आपने कमेंट सेक्शन में हमें बताना है और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। और जो भी मैं आपको बताऊँगा उसको आपने समझना है, एक अच्छे तरीके से समझना है। आपको जो मैं तरीका बताने वाला हूँ ये 100% रियल है और इसमें आप लोगों को मैं लाइव करके दिखाऊंगा कि आप ये सारा काम करेंगे, ठीक है? तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, लेट्स गेट स्टार्ट एंड एंजॉय दिस। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ पर मैंने गूगल से 2 पिक्चर्स को डाउनलोड कर लिया है। एक यहाँ पर ये देख सकते हैं, एक ये वाली पिक्चर है, इसको भी मैंने डाउनलोड किया है। और ये 2 पिक्चर्स साद रिजवी साहब की पिक्चर है और यहाँ पर 2 पिक्चर्स मैंने डाउनलोड कर ली हैं। इनका बैकग्राउंड आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखें इस तरह से बैकग्राउंड है, मल्टीपल कलर हैं इसमें भी, बहुत सारे कलर आप देख सकते हैं कि सिंगल कलर ऐसा नहीं है कि कोई सिंगल कलर हो तो मैं उसको यहाँ से रेज कर दूँगा, ठीक है? इसीलिए मैंने मल्टीपल कलर यहाँ से चूज़ किए हैं ताकि आप लोगों को समझने में भी आसानी हो और आप लोग एक अच्छे तरीके से इसको देख भी सकें और समझ भी सकें कि किस तरह से हमने इसको बैकग्राउंड को रेज करना है, ठीक है जी? यहाँ पर इनको मैं कट कर देता हूँ और यहाँ से हम आ जाते हैं जी गूगल पर, ओपन करेंगे और गूगल पर आप सिंपल यहाँ पर ये देखें, गूगल को मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ remove.bg। आपने यहाँ पर टाइप करना है और यहाँ से इंटर कर देना है। जैसे इंटर करेंगे जी आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ये एक वेबसाइट है
और यहाँ पर इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा। अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं, साइनअप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप साइनअप भी कर सकते हैं। अगर आप साइनअप नहीं करना चाहते तो फिर भी आपकी फ़ाइल यहाँ पर डाउनलोड हो सकती है, अपलोड हो सकती है, आपकी बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो सकती है। यहाँ पर ये देखें, इस तरह से आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आप पिक्चर जैसे ही अपलोड करेंगे और इसका बैकग्राउंड बहुत इजी और बहुत ही शॉर्टकट से ही रेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने अपलोड पर आपने क्लिक कर देना है। अपलोड पर क्लिक किया तो ये इंटरफेस आपके सामने एक विंडो ओपन हो गई। लोकेशन है कि जहाँ पर हम अपनी फ़ाइल रखी हुई होगी, सेव की होगी, वो आपने फ़ाइल वहाँ से ओपन कर लेना है। ठीक है जी, जैसे ओपन करेंगे कुछ ही सेकंड लगेंगे यहाँ पर अपलोडिंग होते हुए। तो अपलोडिंग के बाद आपके पास इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा और बैकग्राउंड आपकी रिमूव हो चुकी है, टोटली रिमूव हो चुकी है। और आप ये देख सकते हैं कि कोई इस तरह का, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, तो यहाँ पर ये देखें जी, यहाँ पर कोई इसकी बैकग्राउंड इस तरह की नहीं रही कि आपको कोई क्लिक करना पड़ा, कोई आपको इसकी थिकनेस देखनी पड़ी, इसकी इसकी शार्पनेस देखनी पड़ी, आपको इसकी कलर चेंज करने पड़े, आपको यहाँ पर कोई रेज़र टूल की मदद से करना पड़ा। हम फोटोशॉप में जैसे करते थे, रेज़र टूल लेते थे, उसकी मदद से रेज करते थे, या फिर हम स्निपिंग टूल की मदद से इसको कट करते थे, क्रॉप करते थे, कहीं से भी हम इस तरह की कोई चीज़ लेकर नहीं आनी पड़ेगी। और आप इसको जस्ट अपलोड करेंगे और आपके पास बैकग्राउंड को रिमूव करके आपके सामने ये पिक्चर इस तरह से अपीयर हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत इजी है, बहुत ही आसान है और बहुत ही शॉर्टकट है ये एक पिक्चर को रिमूव करने का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो की समझ आ रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अच्छा जी, उसके बाद हम यहाँ से इस पिक्चर को डाउनलोड कर लेंगे। ये पिक्चर डाउनलोड होगी, ये देखें जी, यहाँ पर ये पिक्चर डाउनलोड होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह से आपके सामने आएगी। ये है बिल्कुल पिक्चर आ गई आपके सामने, यहाँ पर इस तरह से आपके सामने पिक्चर आ गई, इसकी बैकग्राउंड PNG है और इस तरह की कोई भी मसला नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद ये डाउनलोड पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से एक बार। ये जो पिक्चर अभी हमने की थी डाउनलोड, तो वो डाउनलोड फोल्डर में गई है। ये मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये देखें जी, ये है आपको पिक्चर का साइज़ जो था वो ज़रा डल सी नज़र आ रही है ना। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि अगर तो आप यहाँ पर साइन अप करना चाहते हैं तो साइन अप करेंगे तो ये डाउनलोड आप HD फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। यहाँ पर पिक्सल देखें जी, 411:607 है इसके पिक्सल हैं। अगर आप डाउनलोड साइन अप वगैरह करके लॉगिन करके आप ID वगैरह बनाते हैं इस पर, तो आप इसको HD डाउनलोड कर सकते हैं। 526x776 जो पिक्सल हैं इसके, बड़ी ज़बरदस्त HD है, तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैं दूसरी पिक्चर भी आपको करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर फिर से अपलोड इमेज करेंगे और यहाँ से इस पिक्चर को मैं अपलोड कर देता हूँ। जस्ट ही कुछ ही सेकंड में सिर्फ अपलोडिंग के लिए टाइम लगेगा, उसके बाद तस्वीर जो है आपकी पिक्चर कोई भी है तो आप यहाँ से बैकग्राउंड रेज होकर आएगी। ठीक है, अपलोडिंग हो रही है और अपलोडिंग के बाद आपको ये इसका वाज़े फ़र्क और बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल रेज हुई भी मिलेगी। तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, remove.bg भी आप टाइप करेंगे तो आपके पास बिल्कुल इसी तरह की फ़ाइल ओपन हो सकती है। और उसके बाद जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी इस डायरेक्ट इसी वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करेंगे और बता देंगे, जो भी मसला होगा आपका इंशाल्लाह हल किया जाएगा। अमर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये देखिए जी, ये हमारे पास इंटरफेस आ चुका है। इस तरह से हमारी पिक्चर बिल्कुल कट आउट होके बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी कमाल की पिक्चर जो है वो हमारे पास शो हो चुकी है। ये इस तरह की बैकग्राउंड आपके पास आएगी और ये देखिए कि कितनी प्यारी इसने बैकग्राउंड को रेज किया और ज़बरदस्त कमाल कर दिया, बहुत ज़बरदस्त है। मैं कहता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट है, ये इसको वाकई इस्तेमाल करना चाहिए। और ये ऐसी कमाल की इसने बैकग्राउंड को रेज किया है कि मज़ा आ गया, और आप भी इसको एंजॉय करें, बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है। तो ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।